बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शन स्थल को खाली करा लिया गया है। पिछले 100 दिनों से चल रहा था प्रदर्शन। शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि करीब 100 दिन से ज्यादा चल रहे धरना प्रदर्शन वाली जगह को खाली करा लिया गया है। शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई, प्रदर्शन स्थल को खाली करवा लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 100 दिनों से चल रहा था प्रदर्शन। शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे भीड़ होती थी, लोग यहाँ पे काफी ज्यादा रहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, प्रदर्शन स्थल को खाली करवा लिया है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी कोरोना वायरस का डर था, जिसको लेकर लोगों ने ये जगह खाली कर दी है। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, और जिसके चलते यूपी के 17 जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है, और दिल्ली के शाहीन बाग का जो प्रदर्शन स्थल था उसको भी खाली करवा लिया है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हाँ नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, पिछले 100 दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, आखिरकार वहां से लोगों को हटा लिया गया है, कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही खतरनाक स्थिति थी देश के लिए, क्योंकि एक और देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है, क्वारंटाइन हो रहे हैं लोग, घरों तक सीमित हो रहे हैं, जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन शाहीन बाग में धरना चल रहा था और उसको देखते हुए दूसरे जगहों पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा था। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी घंटाघर से धरना चल रहा था, हालांकि वहाँ आप लोगों ने 5 लोगों ने ही धरना शुरू किया है सिर्फ। और इसी तरह प्रयाग की बात करें तो प्रयाग में भी धरना चल रहा है, तो उसको नजदीक बनाते हुए कई जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन अब ये एक अच्छी बात है कि वहां से धरना पूरी तरीके से हटा दिया गया है, और ये एक शुभ संकेत है, देश के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आप कभी भी अपने हक की लड़ाई के लिए, जिसको आप अपना हक मानते हैं, कभी भी लड़ सकते हैं, कभी भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन देश में जब इस तरह की विपत्ति आई हो उस समय आपको देश के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, लेकिन ये प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे थे, अंत में पुलिस को ही मजबूरन काम करना पड़ा और उनको वहां से हटाना पड़ा। ये एक अच्छी खबर है देश के लिए कि अब धरना प्रदर्शन नहीं होगा, और शाहीन बाग क्योंकि एक एग्जाम्पल बन गया था, एक उदाहरण बन गया था, तो अब दूसरी जगह भी लोग इसको देख करके धरने से हट जाएंगे, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। प्रदीप जी, शाहीन बाग में जो प्रदर्शनकारी, वहां पर एक नोट भी हमने लिखा हुआ पाया है, वहां पर लिखा हुआ है कि हम धरना प्रदर्शन आगे जारी रखेंगे, लेकिन जो हमारा सामान जैसे पड़ा है वो वैसे ही पड़ा रहे, प्रशासन से मांग की गई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ लखनऊ की भी बात करें तो भी लखनऊ में अपनी स्लीपर यहाँ पर रख दी है उन्होंने, और शाहीन बाग में भी सारा सामान वहाँ पड़ा रखा हुआ है, तो इस बात से कोई शक नहीं है कि उनको लगता है कि अगर वो एक बार वो हट गए तो मुश्किल हो जाएगा उनको दोबारा वहाँ पर बैठ पाना, और यही कारण है कि उन्होंने सामान अपना सारा छोड़ दिया है। हालांकि ठीक है, उनका अपना मानना है कि उनके हक और हकूक का नुकसान हो रहा है तो उनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को धरना प्रदर्शन करने की आजादी है। लेकिन ऐसे समय में जब देश किसी समस्या से गुजर रहा हो तो देश के साथ में खड़े हो जाना चाहिए, और ये एक अच्छी बात है कि उनका सामान वहाँ है और वो जब चाहे तो बाद में प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, ये एक अच्छी खबर है, शुभ संकेत है देश के लिए। तमाम जानकारी के लिए प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शाहीन बाग में जो इतने 100 दिनों से ज्यादा धरना प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शन स्थल खाली करवा लिया गया है, लोग वहां से चले गए हैं, हालांकि उन्होंने एक नोट लिखा है कि हम धरना प्रदर्शन आगे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहे, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, अन्यथा बाहर ना निकले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शन स्थल को खाली करवा लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 100 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था शाहीन बाग में, शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है।